हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रूपम, वेलकम करती हूँ अपने चैनल गार्डन वर्ल्ड में। तो आज देखिए हमारे यहाँ कितनी जोरों की बारिश हो रही है बहुत दिनों के बाद। और मेरे हरे भरे प्लांट देखिए कितने अच्छे से बारिश में लोग उठा रहे हैं। बारिश का बहुत ही मज़ा आ रहा है इन लोगों को। देखिए कितने दिनों से ये बारिश के लिए तरस गए थे, हमारे यहाँ बारिश ही नहीं हो रही थी। तो देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ज़ोरों से। रात में थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी फ्रेंड, लेकिन अभी देखिए कितनी ज़ोरों से हो रही है। हाँ, इनको तो मज़ा ही आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं इधर से दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा, सभी प्लांट को बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए कितने ज़ोरों से बारिश हो रही है, आपको दिख रहा होगा। देखिए, और मैं अपने छाता के अंदर ही अपने ये वीडियो को शूट कर रही हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको कितने अच्छे तरीके से बारिश हो रही है, और ये कितने मज़े ले रहे हैं सारे प्लांट। और अब इन लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इतनी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी, और बारिश हो ही नहीं रहे थे हमारे शहर देवघर में। और जितने भी अभी सावन का महीना चल रहा है, जितने भी कांवरिया बम थे सब परेशान हो रहे थे गर्मी की वजह से। और देखिए हमारे यहाँ बहुत जोरों का मेला भी लगता है। देखिए फ्रेंड कैसे बारिश हो रही है बहुत ही अच्छे तरीके से। और बारिश में पौधे को इतना अच्छा लगता है, इतनी इनकी पानी से इतना न्यूट्रिशन इसको मिलता है कि जो भी प्रॉब्लम है बहुत हद तक ये ठीक हो जाते हैं। तो देखिए सुबह सुबह फ्लावरिंग हुई थी और सारे अभी पानी से मुरझा जाएंगे। देखिए बहुत कोई मुरझा भी चुके हैं। और देखिए मैं अपने कटिंग्स वाले प्लांट को दिखाती हूँ कि कैसे मैं अपने कटिंग्स वाले प्लांट को अब बारिश में, देखिए अगर मैं रखती हूँ उसको छाए में छतरी के अंदर, तो लेकिन अभी मैं फ़िलहाल इसको बाहर रख दी हूँ। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से पूरे झूम रहे हैं। अपराजिता का प्लांट देखिए कितने बारिश से, ओहो आनंद ही आ गया होगा इन लोगों को। तो देखिए फ्रेंड, इधर मेरे सारे गुलदौदी के कटिंग से लगाए हुए प्लांट हैं, थोड़ा सा मैंने बारिश में रख दिया है इसलिए कि बारिश का पानी थोड़ा मिलेगा तो और ये हेल्दी हो जाएंगे। फिर मैं ज़्यादा दिन इसको बारिश में नहीं रखूँगी, बस एक दो दिन और बारिश में इसे रखूँगी। थोड़ा सा कैमरे में मेरा छतरी आ जा रहा है क्योंकि मैं भी भींग रही हूँ और भींग भींग के वीडियो शूट कर रही हूँ। बारिश का बहुत इतना मुश्किल से टाइम मिलता नहीं है बारिश का शूट करने के लिए। तो देखिए थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, तो इसको इग्नोर करिएगा फैन। और देखिए बहुत ही अच्छा, मैं ज़्यादा प्लांट के बारे में तो नज़दीक ज़्यादा करके बता नहीं पाऊँगी। तो देखिए मेरी रात की रानी कितने गुच्छों में फ्लावर इसमें हुई है। देखिए ये रात की रानी है, और इसके साइड में आप यहाँ पास में बैठेंगे तो इतनी अच्छी भिंडी भिंडी सी खुशबू आती है बहुत ही अच्छे से। और मेरा अडेनियम का प्लांट मैं बारिश में ही छोड़ दी हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा पॉट है नहीं मेरा और वेल्डन सॉयल है मेरा, तो पानी ये उतना स्टोर करके रखेगा नहीं। और इधर देखिए मधु मालती, बहुत सारी फ्लावरिंग हो रही है इसमें। देखिए फ्रेंड, और इधर देखिए बहुत सारे मेरे ललटाना के फ्लावर, एक इसमें देखिए कितनी बर्ड्स बनी हुई है। और मैं भींग भी जा रही हूँ थोड़ा सा शूट करने में। और इधर का गोल वाला नज़ारा देखिए, जो कि मैं पिलर के पास, बीच में पिलर है, पिलर के पास मैं इसको सेटअप करी हूँ, बहुत ही सुंदर लगता है। और विंटर में यहाँ का ये वाला जगह बहुत ही सुंदर लगने वाला है। फिलहाल अभी देखिए मेरे कोलियस का सारा कटिंग्स मैं लगाई हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं। और देखिए ये भी कटिंग से लगा हुआ कोलियस, देखिए इधर मेरे सारे रोज के प्लांट हैं। और देखिए हिबिस्कस। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, बारिश का लुत्फ उठाइए और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड। अब वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरे एंड तक। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।